जय हिंद जय भारत एंड वेलकम टू तो टैफ टॉक्स दिस इज आदि मोदी साहब गए हुए हैं आजियान में आजियान इंडिया इंडिया समिट है इज अ पार्ट ऑफ द लार्जर आजियान गेम जो आजियान का एक एनुअल uh, समिट होते हैं उसके पार्ट में एक आजियान इंडिया समिट होता है जो ट्वेंटी फर्स्ट समिट है लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अंदर इस टाइम पे मोदी साहब वहां पर अटेंड कर रहे हैं

पाली लैंग्वेज का जो एक गेम चल रहा है भारत ने जिस तरह से पाली को रिकग्नाइज करा है विच इज वेरी वेल एक्सेप्टेड इन दिस पर्टिकुलर रीजन एंड जो बुद्धिस्ट मॉन्ग्स हैं जो भारत एक, एक गढ़ है बुद्धिज्म का भारत इज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म तो उसके उसके साथ भी ये काफी अच्छी लिंकेजेस आपकी वहां पर बनी हुई है भारत का जो देखिए लाओस के अगर थोड़ी सी बात करें ऑफकोर्स ट्रेड और ये सब चीजें हैं लेकिन एक यू नो हिस्टोरिकल और हेरिटेज साइट्स वहां पर है वाकफाओ एक कॉम्प्लेक्स है वहां पर पुरानी पुरानी साइट्स हैं उसके अंदर रेस्टोरेशन का काम जो चल रहा है वो भारत के हेल्प से वहां पर चल रहा है काफी सारी बायोलेट्रल मीट्स हुई यूरोपियन काउंसिल के लीडर्स मिले जापनीज प्राइम मिनिस्टर ईशीबा जो नए नए अभी प्राइम मिनिस्टर हैं बायदवे जिनके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि उनका सडनली थॉट आया कि भाई एशियन नेटो बनना चाहिए एनी वेज जो एशियन नेटो का जो भी थॉट था उनका वो तो ऑब्वियसली आप सबको पता है कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक पुश किया गया था बट उनसे मिले और उनके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी डिफेंस और और चीजों के बारे में बात की गई और ऑफ कोर्स अगले क्वार्ड समिट के बारे में जो भारत होस्ट करेगा उसके बारे में भी बात उनके साथ हुई है उसके बाद वो मिले न्यूजीलैंड के आ, प्राइम uh, मिनिस्टर के साथ उसके बाद मिले के साथ जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है काफी और लोगों से वहां पर उनकी मुलाकात हुई और फिलीपींस के प्रेसिडेंट uh, के साथ भी उनकी वहां पर मुलाकातें है, हुई हैं सो देयर इज अ लॉट ऑफ बायलैटरल मीटिंग्स हैपेंड नाउ अगर मेन मेन चीजें की मैं आपको बात करें कि जो एक टेन पॉइंट प्लान था बाय द वे काफी सारी जो आसियान की कंट्रीज है स्पेशली इंडोनेशिया जिसने एक ये uh, समिट yeah, होने से पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई वी आर लुकिंग टुवर्ड भारत टू कम अप विद अ मोर प्लान प्लान की एक बड़ा लेके भारत के very, very वो कैसे है, क्या है वो आपके डायनामिक्स में आपको जरा बताता हूँ आगे लेकिन जो एक दस पॉइंट एजेंडा है उसके अंदर आपको बोला गया है कि भाई जो टूरिज्म के ऊपर है इस टाइम पे जो 2025 को आसियान इंडिया ईयर आजियान टूरिज्म

विमेन uh, साइंटिस्ट की तरफ से एक कॉन्क्लेव किया गया विच वॉज अगेन लेट बाय भारत एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए डेवलपमेंट ऑलरेडी क्रिएट किया है डबलिंग द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप आजियान से जितने भी बच्चे हैं उनका जो स्कॉलरशिप है उसको डबल किया जाएगा कहाँ के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए अगेन द बुद्धिस्ट कनेक्ट दैट यूर ट्राइंग टू एक्चुअली डू विथ कंट्रीज विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पांचवें पॉइंट पे देखिये जो एक गुड्स अग्रीमेंट गुड ट्रेड अग्रीमेंट है एफ टी ए है आजियान इंडिया का

हमारे ऊपर डेट चढ़ी जा रहा है फालतू में एंड वी आर नॉट एबल टू सेल आर प्रोडक्ट्स इन योर मार्केट द वे यू आर एबल टू डू इन तो एक उसका बैलेंसिंग एक्ट करना है उसको पूरी तरह से रिव्यू करके उसको दोबारा रीसेट करना है दैट इज वन ऑफ द प्रायोरिटीज और ये पिछले एक डेढ़ साल से काफी कुछ इसके ऊपर काम चल रहा है ऑलमोस्ट फाइनलाइज है तो इफ इफेड लाइन विच इज बीन सेट की ट्वेंटी ट्वेंटी जून जुलाई तक ये हो जाना चाहिए दैट शुड टेल यू डील मच हो चुकी है फाइनल इधर उधर जो पेज का स्टाइट करने होते हैं वो बचे हैं डिजास्टर रेजिलेंस के बारे में इंडिया ने पहले भी बोला है कि साहब इंडिया विल बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन दिस पर्टिकुलर रीजन यहां तक कि जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं वहां तक कि भारत ने बोला है कि वी विल बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड उसके लिए एक फंड बनाने की भारत ने बात करी है हेल्थ मिनिस्टर्स ट्रैक के बारे में बात करी है क्योंकि देखिए ये जो हेल्थ ग्लोबल हेल्थ पेंडेमिक्स और ये सब चीजें जो हो रही है उसके अंदर हमको एक चीज और दिखी जो वेस्टर्न हेजमनी थी उस, उसने कंट्रीज को एक तरफ धक्का मारने की कोशिश करी एंड भारत वॉज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हु सेट नहीं अपनी चीज करेंगे अपना काम करेंगे अपना अप बनाएंगे। तो उसके ऊपर आगे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आज के मेंबर्स हैं उनके साथ आपने बात करी है साइबर पॉलिसी के ऊपर काफी बात हो रही है डिजिटल साइबर रिजिलेंस की तरफ काफी बात हो रही है आपको पता इस टाइम ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स इज साइबर अटैक इज अड ऑफ कॉपरेशन विच इजनिंग एट द बैक एंड भारत इज गास्टर एंडनर इन ग्रीन हाइड्रोजन एंड उसके बारे में भी उन्होंने बोला कि साहब वी कैन शेयर टेक्नोलॉजी वी कैन टॉक अबाउट दिस एंड हम आपके आपके लोगों को भी ट्रेन कर सकते हो आजियान लीडर्स को बोला है कि साहब एक एक जरा एक कुछ करते हैं जहां पर हम लोग एक ऐसा कुछ बनाएंगे कि साहब एक पेड़ लगाते हैं फॉर मदर्स नौ ये चीज मोदी साहब ने भारत में भी करी थी कि माँ के लिए पेड़ लगाओ तो ये एक जो इनिशिएटिव है इसको अभी साउथ ईस्ट एशिया के रीजन के अंदर आजियान एक्चुअली प्लानिंग टू टेक दिस फॉरवर्ड नाउ भारत ने ये तो देखिए ये अच्छी अच्छी डेवलपमेंट डेवलपमेंट वाली बातें हैं जो दस पॉइंट मैंने आपको बताया लेकिन जो अभी हार्ड पॉइंट्स हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ। आजियान और भारत ने एक चीज बोला है कि साहब यूएन के रिफॉर्म्स होने चाहिए ये बहुत चक्कर चल रहा है बहुत टाइम से चल रहा है इसके ऊपर तो काफी हद तक मैं बात कर चुका हूँ आपके साथ एव टोल्ड यू वट ऑल भारत इज बिन टॉक अबाउट एंड बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब ये रिफॉर्म्स होने चाहिए दिस दिस इज नॉट ऑन लॉन्ग इन यहाँ पर एक और स्टेटमेंट आया जो चाइना को जरा बुरा लगेगा जिसमें बोला था अनकलॉज जो है उसके पीछे भारत पूरी तरह से खड़ा हुआ है और जो साउथ चाइना सी के अंदर टेंशन है और जो एक कोऑपरेशन होना चाहिए वो चीज नहीं है और अनक्लॉज के जितने भी रूल्स हैं वहां पर इंप्लीमेंट होने चाहिए भारत ने ये भी बोला कि देखिए साहब म्यांमार थाईलैंड का ट्रायलैट्रल हाईवे है जो अभी थोड़ा सा म्यांमार के चक्कर में फंसा हुआ है बट दिस इज समथिंग दैट विल नीड्स टू टेक बी टेकन फॉरवर्ड क्योंकि इससे जो पूरे रीजन की एक डेवलपमेंट है वो हो सकती है उसके बाद बोला कि देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि देखिए जो एक पीस स्टेबिलिटी प्रोस्पेरिटी जो रीजन के बारे में आप बात करते हैं उसका एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसको बोलते हैं दी आजियान आउटलुक ऑफ द इंडो पैसिफिक और भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको अभी इन दोनों के साथ जोड़ा जाएगा एंड बोथ द प्रायोरिटीज विल बी पुट टुगेदर कि भैया एक एक तरह से कुछ ना कुछ निकालें उसको बाहर एंड हाउ कैन वी टेक दिस इंटायर गेम फॉरवर्ड क्योंकि यहां पर देखिए सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो आसियान को जो दिखता है वो चाइना है चाइना को थ्रेट बनाने के चक्कर में चाइना को एकदम एक, एक एनिमी डिक्लेयर करने के लिए जो गहरे राज्य के टट्टू हैं जितने भी इनके कंट्रीज हैं यूएन एंग्लो सैक्सन कंट्रीज हैं यूएस यूके ये जितने भी कंट्रीज हैं ये आसियान को काफी पुश करते रहते हैं कि नहीं नहीं आप चाइना के अगेंस्ट में खड़े हो जाओ आप ये करो आप वो करो जिस तरह से भारत को भी ये करने की कोशिश की जाती है कि साहब चाइना के साथ लड़ाई आप कर लो ये नो हम साइड में बैठ के देखता रहे यही चीज ये लोग आसियान के कंट्रीज के साथ भी करती है और आसियान काफी हद तक इसको पुशबैक कर रहा है कि देखिए यार ये सब काम मत करो हमको ये एक दिखी कि US वहां पर उसके हेल्प में इतनी तरह से, जिस तरह से आना चाहिए था वो नहीं आया सो देर इज अर्टन अमाउंट ऑफ डिस्केंशन की हिसाब ये बातें तो आप बहुत बड़ी बड़ी करते हो लेकिन जब चक्कर होता है तो कोई आता नहीं है इधर पे ठीक है स्टेटमेंट स्टूटमेंट मारते रहते हो लेकिन कुछ होता नहीं है और ये चीज आप देखेंगे अमेरिकन डेमोक्रेट्स की जो एक पॉलिसी रही है यहाँ पर आप 2012 की तरफ भी जाइए जब आ, जब एक वो शोर का स्टैंड ऑफ हुआ था बराक ओबामा ने लिटरली ही ब्लिंक इज आई एंड चाइना उस उस चीज में जीत गया था और उसमें जो का राइज है उसके उसके हिसाब वजह से बताया जाता है कि भाई बिकॉज ही वन दैट गेम विद द विदेरिकन और शीजिंग का राइज एक बड़ा अच्छी तरह से उस टाइम पे हुआ था तो आप ये कह सकते हैं कि ओबामा और हिलरी क्लिंटन की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उस टाइम पे इन लोगों ने शीजिंगपिंग को उस टाइम पे राइज

अब अमेरिका से कुछ चीजें चाहिए चीज़े होती हैं तो कभी उस तरफ चले कभी उस तरफ चले बट कहीं ना कहीं नाउ यू सीट एंड ऑफकोल्व ये लोग एक अपनी पॉलिसी बनाना चाहते हैं कि साहब लेट्स प्लीज क्रिएट आर ओन इंडिपेंडेंट चाइना पॉलिसी जिस तरह से भारत ने करी है ताकि हम लोग अपनी तरफ से चाइना को जो भी हमको करना है एज अ कंबाइंड ग्रुपिंग हम उसके साथ कर सके Obviously, China और राजियान के भी समिट्स होते हैं तो वहाँ पर भी थोड़े से नीचे होता है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए like like uh, like हद तक चाइना ने इंफ्लुएंस uh, you know, uh, करने की कोशिश करी थी काफी हद तक वहाँ पर इन्वेस्टमेंट uh, करी और काफी हद तक उसको डेट्रैप में डालने की कोशिश करी लेकिन वियतनाम थोड़ा बचा हुआ है लाओ कंबोडिया दीज कंट्रीज आर नॉट से डेट इज ओन बाइना तो एक थ्रेट भी है क्योंकि अगर उनको दिखता है कि भाई श्रीलंका में जिस तरह से चीजें हो रही हैं पाकिस्तान में जिस तरह से चीजें हो रही हैं अगर ये वहां पर हो गया तो बी अग प्रॉब्लम तो एक कन्वर्जेंस है ठीक है भारत की पॉलिसी और एक आसियान की पॉलिसी के अंदर एक कन्वर्जन है और उनको ये भी दिखता है कि साहब भारत के जो मूव है इस रीजन के अंदर कहीं ना कहीं उसका जो भारत की पोजिशन है वो स्ट्रेंथन हुई है कैसे हुई है आप देखिए वियतनाम के अंदर एक पोर्ट आया है एक म्यांमार के अंदर पोर्ट आया है पोटेंशियल पोर्ट है ब्रुनई के अंदर अभी थोड़े टाइम पहले भारत के प्रधानमंत्री वहां पर गए हुए थे Sales, sales चल रहे हैं। और इंडोनेशिया के साथ आपकी एक जो पार्टनरशिप है नाउ इंडोनेशिया माइंड यू इज द क्लोजेस्ट मैरिटाइम नेबर टू भारत ठीक है तो जो एंडमैन निकोबार आइलैंड का सदर मोस्ट पॉइंट है वहां से इंडोनेशिया करीब करीब सत्रह अस्सी नब्बे मिल ही पड़ता है तो इट्स अ वेरी क्लोज पार्टनर टू भारत इन दिस पर्टिक्युलर रीजन के अंदर आपको पता है सी पोर्ट ऑलरेडी पोर्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स इन इंडिया मेड देर तो उस जगह से साउथ ईस्ट एशिया को भी काफी क्योंकि अभी तक जो एक ट्रांसशिपोर्ट उस जगह के अंदर दट इज ओनली सिंगापोर सो दट इज समिंग दैट विल ऑब्वियसली टेकन फॉरवर्ड एंड आपको पता ही सिंगापोर के अंदर भी भारत का एक पोर्ट बेसिक फेसिलिटीज है वहां पर सब कुछ है एंड आपकी नेवी और उनकी नेवी काफी कोऑपरेशन हो ये सब चीजें करती है फिलिपींस के अंदर भी आपका सेम डील्स है आप आ, उनको ब्रह्मोस तो बेच ही चुके हो और वियतनाम वे, की डील ऑलमोस्ट अभी साइन होने वाली है कुछ एक दो महीने पहले वियतनाम के प्रधानमंत्री भी भारत आए हुए थे तो वहां पर आपको दिखता था कि इसके बारे में काफी बातें हुई थी तो देखिए ये दो दिन का ट्रिप है उसके अंदर एक दिन तो ये भारत और आसियान का एक समिट होगा और दूसरा एक आसियान का लार्जर समिट होगा जिसके अंदर बाकी सारे पार्टनर्स भी होंगे ट्वेंटी फोर्थ टू थाउजेंड ट्वेंटी समिट के अंदर नरेंद्र मोदी साहब होंगे सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन साहब होंगे कहा से यूएसए से ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंटोनी एल्बनीजे होंगे चाइनीज प्रेमियर ली कचांग ली चांग होंगे जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिगेरु इशिबा होंगे और रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव होंगे तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा गेम है अगेन ये उसी जगह पे आता है जहां पर लैवरोव जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं और एंटनी ब्लिंकन जो अमेरिकन फॉर मिनिस्टर है वो एक ही जगह पे दोबारा होंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बेवकूफी होने के काफी चांसेस हैं हैं जो आज एक समिट होने वाला है है तो देखते हैं उसके बारे में क्या होता है आगे मेरा फोकस ज्यादा भारत की तरफ रहेगा दैट्स व्हाई आई आई थॉट कवर दिस पर्टिकुलर थिंग एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड की भाई अभी जो भारत का एक इंटरेस्ट है आजियान के अंदर बिकॉज आजियान कंट्रीज काफी हद तक म्यांमार के जो एक क्राइसिस चल रही है उसको रिजोल्व करने के लिए काफी टाइम से काम कर रही है लेकिन थाईलैंड ने एक, एक नया एक एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करिए कंसल्टेशन स्टार्ट करेंगे अपडेट मैं, मैं कर चुका हूं कि म्यांमार आपके लिए बड़ा क्रिटिकल है क्योंकि उस, उसके चक्कर में मणिपुर में जो क्राइसिस चल रहा है वो उसका एक रिजल्ट है तो so, भारत के जो अभी फॉरेन मिनिस्टर हैं नवंबर मंथ में जो म्यांमार uh, में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बने हैं डिफरेंट डिफरेंट Uh, armed उनके रिप्रेजेंटेटिव करेंगे भी और एक कंबाइंड एफर्ट होगा आसियान की तरफ से टू स्टेटलाइज दिस पर्टिकुलर रीजन क्योंकि इस रीजन के डिस्टेबिलाईज होने से ये पूरे यू you नो know, ये म्यांमार के डिस्टेबिलाईज होने से ये पूरे रीजन के अंदर जो ड्रग्स और ये सब चीजें जो फैली है विच इज अज ऑफ कंसर्न टू प्रच एवरी और देखिए जब एक डिसेबिलिटी इंस्टेबिलिटी होती है तो चाइना को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कंट्रोल करने के लिए उसको एक ऑपर्चुनिटी मिलती है जो नन ऑफ दीज कंट्रीज एक्चुअली वॉन्ट आपको पता ही ईस्ट एशियन कंट्रीज आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन ड्रग्स एंड द ड्रग्स पॉलिसी कई जगहों के अंदर तो इट्स फॉर एक्साम्पल इन सिंगापुर इज अ वेरी बिग क्राइसिस हैंडल्ड कंबाइंड बाय भारत ऑफकोर्स

करें, करें, अगर इस कर सकते हैं क्यू आर कोड जो आपके स्क्रीन पे अभी प्रकट हुआ है या फिर सुपर स्टिकर सुपर चार्ज के साथ या आप इस चैनल के मेम्बर्स भी बन सकते हैं आज दोपहर में हम मिलेंगे कर्नल आर एस एन सिंह से जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे जो हरियाणा की एक बीजेपी की विक्ट्री हुई है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग बात कर चुके हैं खालिस्तान की पाकिस्तान की कश्मीर से जो इशूज हैं चाइना से जो इशूज हैं क्या ये जो हरियाणा की एक विक्ट्री है ये एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट रहेगा एज फार एज नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड विद इन जो थ्रेट्स थे और जो थ्रेट्स के लिए जो अगेंस्ट में जो भारत ने काम करे हैं रात को हमारा मेरा अपना पर्सनल एपिसोड रहेगा विच इज द क्रैक डाउन जिसके लिए आप लोग काफी लोग सारा सारा हफ्ता मेरे को मैसेज करते हैं आई एम ग्रेटफुल अबाउट इट बट टिल देन थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत